जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने रविवार को हमला कर दिया। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 33 अन्य घायल हैं। एक बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी, तभी आतंकवादियों ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के बाद बस खाई में गिर गई। बस जैसे ही जंगल के इलाके में पहुंची, घात लगाए आतंकवादियों ने बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की गोलीबारी से घबराए ड्राइवर ने बस पर अपना नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। क्या है लेटेस्ट अपडेट और क्या है ये हादसा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टूवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं, उनको इमिजिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। मैम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है, कहा जा रहा है ये लोकल्स नहीं है। अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में, क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, ओजीडब्ल्यू पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं, तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट। और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था, उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया। यह घटना पोनी इलाके के तेरियात गांव के पास शाम करीब 6:15 पर हुई। इस घटना पर विश्व हिंदू परिषद प्रांत के कार्याध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज शाम को रियासी जिले में रनसू तहसील में एक यात्रियों से भरी बस पर आतंकवादियों ने बड़े कायरतापूर्ण ढंग से और घात लगाकर हमला किया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि उसमें बहुत से निरीह यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। ड्राइवर को जब गोली लगी तो बस अनियंत्रित होकर के नीचे खड्ड में चली गई और आतंकवादी उस गिरी हुई बस पर भी गोलियां बरसाते रहे। हमारे कार्यकर्ता जो कि आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, स्पेशली पौनी, भारक, रनसू और उन सभी क्षेत्रों से, वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और स्थानीय नागरिकों की इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, प्रशासन की इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। आसपास के अस्पतालों में भी जहां पर इस एक्सीडेंट के विक्टिम्स को ले जाया जा रहा है वहां भी हमारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद इस आतंकवाद पूर्ण कार्रवाई का बड़े कट्टर ढंग से विरोध करती है। हमारा आग्रह है कि सरकार, पुलिस प्रशासन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो बहुत ही सख्त कदम उठाए और जैसी ही सूचनाएं वहां से कार्यकर्ताओं की आ रही हैं कि उस क्षेत्र में कुछ इस्लामिक धर्मावलंबी इस तरह के एलिमेंट्स को पनाह भी दे रहे हैं जो आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं और उनको शायद इसमें सहयोग भी करते हैं। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ा ही सख्त कॉम्बिंग ऑपरेशन और इस पूरे इलाके में, रियासी, राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकवाद उन्मूलन के लिए एक फाइनल अभियान चलाए जाने की जरूरत है। फिलहाल इस इंसिडेंट ये जो आतंकवाद की कार्रवाई हुई है इसके विक्टिम्स और उनके परिवार के लिए विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी तरफ से कार्यकर्ताओं की फौज भी लगाई है और साथ में एक
रियासी कटरा में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और हमारे प्रांत सहमंत्री करण सिंह जी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। अभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनके नंबर्स भी जारी कर देंगे और इस घटना के बारे में किसी को कोई भी सूचना मिलती है तो हमारा आग्रह रहेगा कि पुलिस प्रशासन को सूचित करें और उन लोगों का सुराग दें जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एक बार पुनः हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसके साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं से मैं दोबारा से अपील करूंगा कि शांति बनाकर के रखें। समाज से भी ये कहूंगा कि शांति बनाकर के रखें। हमने आतंकवादियों के इस नेफेरियस डिजाइन को कामयाब नहीं होने देना है, लेकिन सरकार से ये मैं जरूर कहूंगा कि अब इनके साथ और ढिलाई ना की जाए, पूरी तरह से सख्ती से इन आतंकवादियों से निपटा जाए। विश्वहिंदू परिषद जिन परिवारों का नुकसान हुआ है, जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो लोग इंजर्ड हैं, उन सब परिवारों के साथ खड़ी है और जो यथासंभव जो सहायता उनके लिए हम कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। जय श्री राम। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।